एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक भगतपुर टांडा के ग्राम रानी नागला पहुंची। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान आशमा बेगम है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव में कुल वोटरों की संख्या 2700 है, जबकि राशन कार्ड धारकों की संख्या 600 ही है। गांव में आने वाले सभी प्रकार के लाभों जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन से ग्रामवासी लाभान्वित होते नजर आए। इस गांव में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा नजर आया। गांव में विद्यालय भी अच्छी स्थिति में नजर आया। प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 550 के करीब नजर आती है। वहीं गांव में बिजली की आपूर्ति भी बेहतर स्थिति में नजर आई। गांव में बिजली के पोलों की संख्या लगभग 200 है। वहीं अभी भी ग्रामवासियों को 50 और पोलों की सरकार से दरकार है। इसी के साथ 16 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में मुहैया कराए गए हैं। गांव में ग्रामीणों की जल की आपूर्ति को पूरा करने के लिए लगभग 35 हैंडपंप ग्राम प्रधान ने लगवाए हैं। साथ ही अभी 6 और हैंडपंपों की ग्राम में दरकार है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए इधर उधर न भागना पड़े। कैमरे के सामने प्रधानपति ने बताया कि गांव में फंड की कमी के कारण विकास बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग भी की है कि वह जल्द से जल्द उनको पैसा मुहैया कराएं, जिससे गांव को बेहतर स्थिति में लाया जा सके। वहीं कैमरे से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि गांव की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रधान अपनी तरह से बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनमें थोड़ा सा आक्रोश भी नजर आया। हमने अपने गांव में काफी विकास किया है और शौचालय का निर्माण कराया है, और हमारी निगरानी समिति द्वारा हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके गांव को खुले में शौच मुक्त कराया है। पिछले साल हमें ओडीएफ घोषित करने के बाद में जिलाधिकारी महोदय ने सम्मानित भी किया है, और हमारा उद्देश्य है कि हम अपने गांव की गंदगी को दूर करना चाहते हैं। इसके लिए सरकार बजट अगर दे तो हम गांव को बिल्कुल गंदगी से मुक्त कराना चाहते हैं, और कुछ जो सड़कें हमारे हों एक दो भी ऐसी बाकी हैं, उसका हमारा उद्देश्य है कि वो जल्दी बन जाए। कुछ कार्य हमारा चल भी रहा है, और एक पानी की टंकी के लिए हमने प्रस्ताव दिया है, उसका भी इस्टीमेट बन गया है। 1-3 किलोमीटर सड़क PWD से हमने उसका इस्टीमेट बनवा रखा है, वो भी उसका कार्य चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम जो गांव में कूड़ा करकट है उसके लिए कंप्लोट गड्ढे बनवाएं, और गांव में जो गंदगी है उसके लिए वो वाहन खरीदें। सरकार हमें पैसा दे तो हम गांव को गंदगी से बिल्कुल मुक्त करा सकें। हमारे गांव रानीनगर ग्राम प्रधान नवाब अली साहब, जिन्होंने हमारे गांव में काफ़ी विकास कराया। शौचालय का निर्माण भी हुआ, और जो गाँव के रास्ते हैं उनका भी काफ़ी निर्माण हो रहा है। जिस तरह से लिमिट आती है उसी तरह से काम करते हैं, उससे भी और बढ़ चल का काम कराते हैं। अरे प्रधान जी मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब पहले तरक्की की है, अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है मतलब, और इतना सरकार को दे नहीं रही है बेनिफिट, कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या करें, कोई पैसा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो कहाँ तक ही करें। अपने पास से बहुत कुछ इन्होंने इतना काम कर रहे हैं, क्या हमने देखा कि और एरिया के अंदर इतना काम नहीं हो पा रहा है। हमारी नज़रों में अभी भी काम चल रहा है, इधर देख सकते हैं आप, और चारों तरफ मतलब और गांव के हिसाब से सब में यहाँ पे RCC हो गया है, और काफ़ी मतलब पहले से बहुत अच्छी तरक्की हो गई हमारे यहाँ पे।